नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जौनपुर के गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की बुधवार को सुबह पटीदारों ने जमीनी विवाद के चलते तलवार से हत्या कर दी थी। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में गुरुवार को एक अभियुक्त लालता यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तो अन्य अभियुक्तों की पुलिस तलाश कर रही थी। बुधवार को घटना का मुख्य अभियुक्त रमेश यादव और उसका चचेरा भाई सूरज यादव को लखनऊ जनपद के अलीगंज थाने की पुलिस ने संदिग्ध हालत में घूमते हुए पाया। पूछताछ के बाद दोनों ने पुलिस को कबीरुद्दीन गांव में एक दिन पूर्व हुई घटना में संलिप्त होने की बात कबूल की। अलीगंज पुलिस की सूचना पर गौराबाद शाहपुर पुलिस लखनऊ पहुंची और दोनों आरोपियों को गौराबाद शाहपुर ले आई। शुक्रवार को दोनों का चालान कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के संबंध में अजीत कुमार रजक क्षेत्राधिकारी के राकत ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दिनांक 30/10/2024 को थाना गौराबाद शाहपुर के गांव कबीरुद्दीन में अनुराग यादव की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें थाना गौराबाद शाहपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 1/11/2024 को उक्त अभियोग के वांछित मुख्य अभियुक्त रमेश यादव पुत्र लालता यादव एवं एक बाल अपचारी, जिनको थाना अलीगंज कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था, उनको नियमानुसार लखनऊ से थाना गौराबाद शाहपुर जौनपुर लाकर गिरफ्तार कर चलान मान्य न्यायालय किया गया। अन्य वांछित अभियुक्त के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।